अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राणा दानवदर सर हूँ और आज हम प्रिसिंक्ट 15, प्रिसिंक्ट 15 ए, प्रिसिंक्ट 15 बी इनके बारे में बात करेंगे। और इस वक्त मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एवेन्यू 17। ये एवेन्यू 17 है, बड़ा खूबसूरत रोड आप देख रहे हैं इस वक्त। एवेन्यू 17 की इम्पोर्टेंस पे एक मैंने अलग वीडियो भी बनाई थी, आज इस वीडियो में भी तस्करा करना मैं लाजमी समझता हूँ जब हम प्रिसिंक्ट 15, प्रिसिंक्ट 15 ए और प्रिसिंक्ट 15 बी को डिस्कस करेंगे। तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इस रोड की अहमियत पे मैं थोड़ा बात कर लूँ। एवेन्यू 17 वो एवेन्यू है बैरिया टाउन के अंदर जिसे मैं समझता हूँ कि एरिया के हिसाब से ना सही लेकिन आबादी के हिसाब से या अहम चीज़ों के अतबार से ये बैरिया टाउन को बाइसेक्ट करता हुआ प्रिसिंक्ट है। और ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि एक तरफ इसके प्रिसिंक्ट 10B और 11B वाली रास्ते से बकाई यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ता निकलेगा जो सुपर हाईवे को जाके मिलाएगा। ये कब निकलता है इसका मुझे अभी कोई नहीं पता, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमें समझ में आ रही है। यहाँ से कच्चे पक्के रास्ते मौजूद हैं और आबादियाँ मौजूद हैं, यहाँ से ऑल्टरनेट रूट्स निकल सकते हैं। और फिर इसके इस तरफ जिस तरफ हम मैं इस टाइम ड्राइव कर रहा हूँ आगे बैरिया पैराडाइज का एरिया आ जाएगा और बैरिया पैराडाइज से कठोर जो कि सुपर हाईवे के ऊपर वाक़ है इस जगह तक का एरियल डिस्टेंस बहुत कम है। ये इस वक्त हम लोग लंदन ब्रिज के ऊपर हैं। लंदन ब्रिज काफ़ी मशहूर जगह आप लोगों ने देखी, जिना एवेन्यू के ऊपर इस रोड को बनाया गया और पूरे बैरिया टाउन में ये वाहिद ब्रिज है जिसकी ज़रूरत बैरिया टाउन ने महसूस की। अदरवाइज़ आम सड़कों का नेटवर्क तो आपके सामने है, इस लंदन ब्रिज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी मास वाइज इसके कि इस एवेन्यू को ये थ्रू आउट आप समझ लें कि सिग्नल फ्री होकर चला सकें। बैरिया पैराडाइज की तरफ इस तरफ से रास्ता जाएगा और बैरिया पैराडाइज से आगे कठोर की तरफ और फिर सुपर हाईवे की तरफ ये रास्ता जाएगा। तो लिहाजा इसके गिर्दोनवा में जब भी कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हों तो ये एरिया भी जिना एवेन्यू कमर्शियल की तरह आपका ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा। तो लिहाजा इस चीज़ को मैं थोड़ा समझा दूँ कि इस वक्त मेरे राइट साइड पर प्रिसिंक 15 ए और बी है और मेरे लेफ्ट साइड पर प्रिसिंक 27 के विलाज हैं। प्रिसिंक 27 के प्लॉट्स भी हैं, विलाज भी हैं, ये वो वाला एरिया है। और फिर आगे फ्रंट पे हम लोग जाएंगे जहाँ से प्रिसिंक्ट इस तरफ सारा समझ लेंगे बैरिया पैराडाइज का एरिया आएगा जिसके सारे प्रिसिंक्ट आएंगे और फिर कठोर की तरफ रास्ता निकलता है। लास्ट टाइम हमने प्रिसिंक 15 बी के बारे में बात की थी, अभी मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए लेके चलता हूँ प्रिसिंक 15 ए और प्रिसिंक 15 बी के एरिया में। ये सारे का सारा एरिया इसलिए ज़्यादा अहम है कि रोड वाइज एक तो जिना एवेन्यू के ऊपर भी इसकी अच्छी अप्रोच है और फिर ये एवेन्यू 17 की तरफ भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सेस है, अच्छी अप्रोच है। तो ये एरिया प्रिसिंक 15 ए जो है ये 100% डेवलप हो चुका है। इसके बहुत थोड़ा सा एरिया जिसमें 2-3 स्ट्रीट्स थी वहाँ पे हिली एरिया था लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया, डेवलपमेंट हो रही थी। और आज मैं प्रिसिंक 15 बी की तरफ भी इस टाइम ड्राइव करूँगा, वो एरिया भी दिखाऊँगा जो लास्ट टाइम हम आए थे तो अच्छी खासी वो पहाड़ियाँ और इस तरह की जगह नज़र आ रही थी और बाउंड्री वॉल बन रही थी, लेकिन इस दफ़ा वो बाउंड्री वॉल मुकम्मल हो चुकी है। तो लीजिए ये आपके सामने वो एरिया आ गया जिसे हम प्रिसिंक 15 ए और बी कहते हैं। ये दरमियानी एवेन्यू है जो प्रिसिंक 15 ए और बी को डिवाइड करता है। अब मेरे राइट साइड पर प्रिसिंक 15 ए है और इस तरफ 15 बी है। ये प्रिसिंक 15 बी वाला ज़रा रेहान भाई इस तरफ एरिया दिखाइएगा। ये एरिया अगर आप देखें लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया था तो यहाँ पर सारा काम हो रहा था और यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़रा काम हो रहा था। अभी भी जो हमें नज़र आ रहा है ये सारी सॉलिड रॉक्स थी जिसको तोड़ के ये सारे आगे रास्ते निकाले जा रहे हैं। बहुत थोड़ा सा एरिया रह गया जो यानी कह लें कि इस तरह फिनिशिंग फॉर्म में नहीं है क्योंकि बैरिया टाउन ने इन प्रिसिंक्ट्स के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मसाजिद, पार्क, स्कूल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की जगह भी काफ़ी सारी दी गई है। तो जो इसमें अभी हमें जहाँ पे लेबर काम करती नज़र आ रही है, मशीनरी यहाँ इस तरह काम कर रही है, तो ये वो एरियाज भी हैं जहाँ पे ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, तो वो एरिया भी इस जगह पर आ रहे हैं। तो लिहाजा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ये रोड 9 पे गालिबन हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जो मैं पढ़ सकता हूँ। तो इसमें आगे जब हमने विज़िट किया था तो यहाँ पर हमें ये एवेन्यू इससे पहले इस रोड से आगे तक नहीं जा रहा था, लेकिन अभी हमने सीवरेज लाइन
डीपीज, बोर्ड्स और कारपेट रोड काफ़ी आगे तक ये नज़र आ रहा है। तो लिहाजा ये एरिया सारा डेवलप हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, यू आर लकी पीपल, और अगर आप अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो यू मस्ट कंसीडर दिस लोकेशन, और इस एरिया को आपको देखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहिए। बल्कि कीमतों के एतबार से प्रिसिंक्ट 15A और बी में 45-46 लाख से प्लॉट शुरू होके 50-55 लाख तक है, और प्रिसिंक्ट 15 के अंदर आप समझ लें जो भी कीमत है वो 60-70 लाख के लगभग इस टाइम प्लॉट, अच्छा प्लॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रिसिंक्ट 15A और बी के बारे में देखिएगा कि जहाँ ये वाले इस तरह से रोड्स नहीं बने, वहाँ ज़रा कीमत कम होगी, और जहाँ पे ये रोड्स बन चुके हैं वहाँ कदरे 7-8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की कीमत ज़्यादा होगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारी टीम के साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।